नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हमारे लेफ्ट तरफ महिंद्रा 275 DI XP प्लस है और पीछे राइट साइड में महिंद्रा 275 DI इको। आज इस वीडियो में हम दोनों 275 का कंपैरिजन करेंगे और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। ये जो XP प्लस सीरीज है ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है और आप ये भूमिपुत्र सीरीज को देख सकते हैं। तो दोनों का जो डिज़ाइन है यह काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन किया हुआ है और इस ट्रैक्टर में आपको 2235 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 37 एचपी का पावर 21 जनरेटेड आरपीएम पर प्रोड्यूस करता है और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। और यहीं दूसरी तरफ 275 DI इको है, जिसमें 2048 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरल स्प्रिट इंजन मिल जाता है और यहाँ 35 एचपी का पावर 1900 जनरेटेड आरपीएम पर और लगभग 131 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इस ट्रैक्टर में आपको 2 एचपी अधिक देखने को मिल जाता है। और दोनों ट्रैक्टर्स का जो सर्विस इंटरवल है ये भी सेम दिया हुआ है। पहला जो सर्विसिंग है 250 घंटे के बाद में कराना होता है, उसके बाद 300 घंटे के बाद में कराना होगा और इसी में भी सेम मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको वारंटी 6 साल का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। भूमिपुत्र में आपको केवल 2 साल की वारंटी देखने को मिलता है। इसका व्हील बेस 1880 mm का है और इको का व्हील बेस 1865 mm का मिल जाता है और दोनों में ही सेम स्टीयरिंग ऑप्शन मिल जाएगा। मैकेनिकल और पावर दोनों में से आप कोई सा भी परचेस कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म भी दोनों में सेम देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप ये इको के प्लेटफॉर्म को भी देख सकते हैं। लेकिन जो इको का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और XP प्लस सीरीज में आपको कुछ इस तरह से यूनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। XP प्लस में 32.9 HP का PTO पावर देखने को मिलता है और इसमें भी सिंगल 540 स्टैंडर्ड PTO स्पीड दिया हुआ है और इसका डुअल क्लच वाला वेरियंट लेने पर उसमें आपको डबल PTO स्पीड मिल जाएगा, 540 स्टैंडर्ड और रिवर्स PTO स्पीड। और इको में आपको 32.5 HP का PTO पावर मिल जाता है, इसमें भी सेम PTO ऑप्शन दिया हुआ है। और इको का जो हाइड्रोलिक्स है इसमें 1200 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है और जो XP प्लस का हाइड्रोलिक है इसमें 1480 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में भी यह ट्रैक्टर आगे है और इसमें जो PTO पावर है यह भी थोड़े से अधिक दिया हुआ है। बाकी रियर लुक इसका कुछ इस प्रकार से है और इको का भी रियर लुक कुछ इस तरह से है। और इसी प्रकार से हमने यूवो 575 DI और यूवो टेक प्लस 575 दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाया है, आप उसे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो इन दोनों ट्रैक्टर्स में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है और आपको इन दोनों ट्रैक्टर में से कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा पसंद आया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।